नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। कटिहार से ट्रिपल मर्डर की खबर निकल कर आई है। जी हां, आपको बताएं कि इन दिनों बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी खड़ा होने लगा है। वहीं आपको बताएं कि कटिहार के बलिया बेलौन में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां महिला अपने दो बच्चों के साथ रात में सो रही थी, तभी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अज्ञात अपराधी आते हैं और इन तीनों को मौत के घाट उतार देते हैं, जिसके बाद जो है पूरे गाँव में सनसनी फैली हुई है, लोग डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर जो है बारसोई अनुमंडल के डीएसपी प्रेमनाथ ने पूरी जानकारी दी है, जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या जानकारी? आपको बेलौन सिंहपुर में आपको फिरोज की पत्नी है, आपका सदौ जरीन, जिसकी एक बच्ची और बच्ची की उम्र 7 साल और एक बच्चा है जिसका उम्र 5 साल है। यह घटना रात्रि करीब 10-1 बजे का है, जिसे सूचना मिला कि हत्या हुई है। इस पर CI थाना अध्यक्ष सफल मारी बलिया बलोन सबके साथ ही हम आए, घटना स्थल मुआयना किए और घटना स्थल से जो मृतका है उसकी शरीर से मिट्टी तल का स्मेल आ रहा है, सिलाई भी है। पहले उसको जला के मारने का प्रयास किया गया है और बचा लोग हैं, हो सकता है कि बचा लोग जग गया हो, जिसकी वजह से मतलब कि तीनों हत्या किया गया है। अभी पोस्टमार्टम में भेज दिए हैं और हर एक स्तर से जांच कर रहे हैं, जिसमें दोषी होगा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इसमें जो हथियार किया गया, यूज किया गया था, उसको बरामद किया गया, घटना स्थल से हथियार भी बरामद किया गया है और इसमें जितना जल्द होगा इसका हम लोग दंड करेंगे। तो आपने DSP प्रेमनाथ को सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी और कहा है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि इस मामले को लेकर जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से जब महिला अपने दो बच्चों के साथ सो रही थी, तभी इस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है। वो भी आप सुन लीजिए। क्या जानकारी? ये घटना तो बहुत जघन्य अपराध है। इस घटना का जो हत्यारा है उसको जल्द से जल्द पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और हम लोगों का मांग है उसे फांसी का सजा मिलना चाहिए। इस इलाके में इस तरह का घटना हम लोग कभी देखे नहीं। ये घटना तो असहनीय घटना है, निंदनीय सब घटना है। ऐसी घटना की हम लोग कभी अपेक्षा नहीं करते। इस इलाके में हमारा समाज में जिस तरह का घटना हो रहा है, समाज बहुत खराब होता जा रहा है और यहाँ के समाज के लोगों को जगने की ज़रूरत है। कोई भी बाहरी आदमी और किसी एक गलत एक्टिविटी में अगर किसी को नज़र आए तो ग्रामीणों का यह दायित्व होता है कि तुरंत ग्रामीणों को खबर करना चाहिए। और ये घटना नाकाबिले बर्दाश्त है और इसका जो है अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्द सुराग मिल जाएगा और कातिल पकड़ा जाएगा। बहुत सारा एविडेंस कातिल जो है घटनास्थल पर छोड़ के गया है, उस एविडेंस से कातिल तक पहुंचने में बहुत आसानी मिलेगी। कितने बजे रात की घटना है ये? घटना 10:30 और 12:30 के बीच की घटना है। चूँकि जो जिसका घटना हुआ है वो फिरोज भाई का, इसके अहलिया उसका बच्चा और बच्ची का, वो 9:30-9 बजे वह बच्चा करबला देखने गया था और लगभग आया था वो 12:30 और 1 के बीच। अब उसके बाद तब पता चला, उससे पहले इस बीच में ही घटना हो गया था। उसमें उसकी बड़ी पत्नी जो बादलपुर की है, उसके मैके बादलपुर है, उसकी हत्या हुई है, उसकी बेटी की हुई है, उसका बेटा का हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए जो है प्रशासन अपने कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम भेजा है। और हम लोग इस तरह का अपराध क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग से हमारा यही मांग है प्रशासन से कि जितना जल्द हो कातिल गिरफ्तार हो और उसको फांसी की सजा मिले, और अगर परेशानी आए तो उसको जो है CBI भी जांच दे सकता है। जो भी फॉरेंसिक जांच हो, CBI जांच हो, कुत्ता लाए, जिस तरह से भी जांच हो, वो हर तरह से जांच में, और जितना जल्द से जल्द अपराधी जो है पकड़ा जाए और उसको जो है फांसी की सजा मिले, इस पर ट्रायल चला कर उसको फांसी की सजा दिलाएंगे। क्या नाम? मोहम्मद मेराज आलम, मुखिया संघ अध्यक्ष। तो आपने मुखिया संघ के अध्यक्ष को सुना, जिन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी है। और आपको बता दें कि जो पूरी घटना निकल कर आई है कटिहार के बलिया बेलौन थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव की है। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि इस घटना में जो अज्ञात अपराधी द्वारा माँ, बेटा और बेटी की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मुहर्रम के बाद लाठी का खेल देखने के लिए पति फिरोज जो है
घर से बाहर गया था। इसी दौरान उनकी पत्नी जो है अपने दोनों बच्चों के साथ रात में सो रही थी, तभी उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके बाद जो है पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।